नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं जैसलमेर। दोस्तों, यूं तो जैसलमेर में बहुत सारी हवेलियां हैं, लेकिन हम आज जिस हवेली को देखने जा रहे हैं वो भारत की सबसे खूबसूरत हवेलियों में गिनी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर में स्थित पटवो की हवेली की। इस हवेली को देखने के लिए भारत ही नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं। हम इन छोटी छोटी गलियों से होकर आपको ले जा रहे हैं खूबसूरत हवेलियों में गिनी जाने वाली पटवो की हवेली। तो दोस्तों, आज हम आपको सिर्फ पटवो की हवेली नहीं दिखाएंगे, बल्कि इसके अंदर मौजूद ऐतिहासिक और बेशकीमती खजाना भी दिखाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा प्रेस भी बेल आइकन पर दबा दीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं, यही है वो जैसलमेर की छोटी छोटी गलियां जिससे हम होकर जा रहे हैं पटवो की हवेली। इन गलियों में जो घर बने हुए हैं ये पीले पत्थर से बने हुए हैं, जिस वजह से जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पटवो की हवेली में। आप सामने जो खूबसूरत इमारत को देख रहे हैं उसी को पटवो की हवेली कहा जाता है। उसके सामने मुख्य द्वार है, उसके अंदर 5 हवेलियां मौजूद हैं। पत्थर से बनी इन हवेलियों में बहुत ही बारीक जालीदार नक्काशी की गई है, जो वास्तव में देखने पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। आपको हवेली के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रति व्यक्ति 150 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। अब हम लोग इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आपको पटवा परिवार के रहन सहन और इस हवेली के अंदर रखी हुई बहुत ही ऐतिहासिक खूबसूरत चीजों को अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, कपड़ों पर जो लोग सोने चांदी की कारीगरी किया करते थे उन्हीं को पटवा की उपाधि दी जाती थी। और अभी हम पहुंचे हैं हवेली के प्रथम भाग में, जिसे शीश महल कहा जाता है। आप देख सकते हैं, इस कमरे के अंदर चारों ओर शीशे लगे हुए हैं। पटवा परिवार कितने धनी थे, आप इस कमरे की सजावट देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। पांच हवेली से मिलकर बनी पटवा की हवेली जैसलमेर शहर में अपनी तरह की सबसे अद्भुत और सबसे बड़ी हवेली है। दोस्तों, इस हवेली का निर्माण वर्ष 1805 में गुमान चंद पटवा द्वारा करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि पटवा एक धनी व्यक्ति थे और अपने समय के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इन्होंने अपने 5 बेटों में से प्रत्येक के लिए अलग अलग मंजिलों का निर्माण का आदेश दिया था। इन्हें 50 वर्षों की अवधि में पूरा किया गया। सभी 5 हवेलियों का निर्माण 19वीं सदी के पहले 60 वर्षों में किया जा चुका था। तो दोस्तों, अब हम हवेली के एक ऐसे हिस्से में जा रहे हैं जहां पर पुराने समय के सिक्के और तराजू में वजन करने के लिए बाट रखे हुए हैं। और सामने सन 1947 का चार्ट लगा हुआ है, जिसमें उस समय किस चीज का क्या भाव था, जैसे सोना, आलू, घी, आटा आदि का रेट लिखा हुआ है। जैसे ही हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको उस समय कपड़ों पर सोने चांदी की कारीगरी, चांदी की पालकी, फोल्डिंग साइकिल देखने को मिलेगी। और
साथ ही आपको सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए पुराने समय के ताले और चाबियों का संग्रह दिखाई देगा। इन तालों को पटवा परिवार अपनी संपत्ति बचाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अब आप ये जो ताला देख रहे हैं दोस्तों, ये दो चाबी वाला ताला है जो दो व्यक्तियों की सहमति से खोला जाता था। अगर इस ताले की एक चाबी गुम हो जाए तो फिर ये ताला नहीं खुल सकता था। और दोस्तों, इसके साथ ही पास में ही बिच्छू, हिरण, ऊंट आदि के डिजाइन में तैयार किए गए तालों का संग्रह है, जो उस समय की कारीगरी की अद्भुत मिसाल है। और अभी हम पहुंचे हैं दोस्तों उस समय की रसोई में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने प्रकार के बर्तन रखे हुए हैं जिन्हें खाना खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, ये है सिटिंग रूम, जिसे जीवन विलास बैठक कहा जाता था, और इस बैठक में मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध थे। यहाँ बैठकर ये लोग अपना मनोरंजन किया करते। ऊपर की छत देखे दोस्तों, कितनी खूबसूरत है, और इसके साथ ही इसका डिजाइन भी कितना लाजवाब, जो उस समय की कारीगरी की एक अनूठी मिसाल है। ये सर पटवा लोगों का वीआईपी बिजनेस रूम, ठीक है ना, जो व्यापारी आते थे। फिर पास में आगे चलेंगे एक और बिजनेस रूम, जैसे नीचे देखा था अभी वाला भी देखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे चांदी का पूरा सोफा सेट है, चांदी का पूरा सॉलिड सिल्वर का बना हुआ वो मॉडल है सुराही वाइन बोतल का, छोटी वाइन बोतल वहाँ रखी हुई है, लेकिन काम में नहीं आती, सिर्फ डेकोरेशन पीस है। 1950 अब चलते हैं इस हवेली की छत पर, जहां से आपको पूरे शहर का एक बेहतरीन नजारा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात जो इस हवेली को दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इस हवेली में आने का अलग रास्ता है और जाने का अलग रास्ता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात करते हैं।